गुरुवार की दोपहर में अपनी धर्मपत्नी गीता की हत्या करने वाले वांछित पति पन्नेलाल को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गुरुवार को पन्नेलाल पुत्र राम लक्षण निवासी ग्राम पाली थाना सहजनवा हाल पता गीता वाटिका थाना शाहपुर ने आपसी विवाद में अपनी पत्नी की चाकू घोप कर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे टेम्पो स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ अली शेर, कांस्टेबल पवन कुमार यादव, सरताज खां, राकेश यादव, महिला कांस्टेबल रुचि सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इससे बैठ ले लिया है। हाँ बिल्कुल बैठ लेना दिया है। तीन चार दिन पहले साहब, तीन चार दिन से झगड़ा हो रहा था। बैठे भैया आपस में, पहले मैं किराए पे दूसरे जगह थे, वो कहीं हमसे ससुराल चली, ससुराल चले आए, फिर हम कहें कि चलो क्वार्टर ले लिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर हम लोग आपस में कह रहे कि नहीं हमें यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम अपना जाओ, अपना व्यवस्था कर लो। फिर हम लोग तीन चार दिन तो मैंने चला नहीं रहती थी, वहाँ भौजाई पास रात में नहीं आते थे। फिर सुबह रात में भी झगड़ा की, फिर हम भी किए, सुबह में मान के नहीं आया था, बस गलती है। क्या कारण था कि बातचीत करने सूरज भाई हत्या ही करना पड़ा? हत्या था, दोनों आदमी उलझ गए थे, बात करने का प्रयास किए। हाँ बहुत प्रयास, पूरा समझाया। किस तरह से हत्या करने ऐसे ऐसे पूछे कि देखिए अपना बना रहेगा तो हमारे बाल बच्चे हम सब बढ़िया रहे। किस तरह से हत्या को अंजाम दिए थे? क्या पछतावा है? पछतावा है सर, आज औरत अच्छी थी, कोई गलत नहीं। गीता वाटिका थाना शाहपुर में एक पति ने अपने पति की पत्नी की हत्या कर दी थी। इस संबंध में उसको 24 घंटे के अंदर ही शाहपुर पुलिस ने बरामद कर ली। गिरफ्तारी टीम की गई है, उसमें सीओ गोरखनाथ के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शाहपुर और उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ अली और बाकी जो टीम है सबने मिलकर 24 घंटे के अंदर इनको पकड़ा है। इनके पास से आला कत्ल एक अदद खूनालूद चाकू भी बरामद किया गया। इनका नाम है पन्नेलाल पुत्र राम लक्षण और ये सहजनवा के निवासी हैं, पर अभी हाल पता इनका जनपद गोरखपुर में शाहपुर का ही है। मुकदमा अपराध संख्या 363/21 है, धारा 302 पंजीकृत करके गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण क्या? इनके आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला कि एक रात पहले भी इनकी काफ़ी लड़ाई हुई थी और अगले दिन सुबह फिर ये घटना हुई। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।